बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब पर हम सब पर अल्लाह ताला करम तो गाइस, मैं मुझे पता है आप भी सही होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी सही हूँ। गाइस आज हम विज़िट करने वाले हैं कराची सदर मोबाइल मार्केट में, और अभी वहाँ पे आप कोई डिवाइस देखेंगे, पसंद आ गई तो ले लेंगे, पसंद नहीं आई तो नहीं लेंगे। अभी चलते हैं मार्केट में, तो अभी मैं आपको मिलता हूँ रास्ते में जाके, तब तक के लिए बाय बाय। अल्हम्दुलिल्लाह गाइज, अभी हम लोग अपने घर से निकले हैं। गाइज वहाँ से घर से मैंने इसीलिए शूट नहीं की, वहाँ पे ना बहुत कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, धूल मट्टी और बहुत ना वहाँ पे शोर था। और अभी हम लोग कि ये इसका क्या नाम था, याद नहीं आ रहा यार, कॉलोनी गेट था। अब हम कॉलोनी गेट के पुल से ना नीचे उतर आए थे, और अभी मैंने बोला आपको भी साथ साथ लेके चलता हूँ। गाइस यहाँ पे बहुत हमें ट्रैफिक मिला था, इसके वजह से हम आहिस्ता आहिस्ता पहुँचे। तकरीबन 2 घंटे लग गए थे हमको ना घर से जाते हुए भी आते हुए भी। मैंने कुछ कुछ जगह पे रिकॉर्डिंग इसीलिए की है, वहाँ पे बहुत ट्रैफिक मिल रहा था शाहरा फैसल, क्योंकि मेन है ना, और 2-3 बजे थे शायद, बच्चों के स्कूल के आने का टाइम था और मैंने छुट्टी की थी उस दिन। सही है, अभी हम लोग यहाँ पे चढ़ेंगे, ये ड्रिग रोड का पुल है, इसका मुझे नाम नहीं आता, ऊपर चलेंगे। जब हम लोग नीचे उतरेंगे ना, आगे हमने ना पेट्रोल का फिल कराना था मोटरसाइकिल में, पता नहीं बाइकों वालों का, हाँ बाइकों वालों का पेट्रोल पंप है। अभी हम लोग यहाँ पर लाइन में लगेंगे, उसके बाद ना यहाँ पे एक बोर्ड आना है, उसका बोर्ड पे पता नहीं शायद नाजमाबाद, पता नहीं कौन कौन से शहरों का नाम लिखे, बहुत ना ब्लर हो गया था। फिर हम लोगों ने यहाँ पे पेट्रोल फिल कराया, फिर हम लोग अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ेगा। जो आप देख सकते हैं कितना रश है ना यहाँ पे। फिर हम लोग यहाँ से पेट्रोल पंप से जैसे निकले, यहाँ पे एक बस थी वो थोड़ी सी ना ख़राब हो गई थी, इसके लिए हमें रश नहीं मिला। और अभी हम फैसल बेस के ना क्रॉस कर चुके हैं, अभी हम लोग यहाँ पे आएंगे, NHS है और सेंटर में मैं बैठा हूँ, जो जिसका बार बार ना सर आ रहा है, सेंटर गए, सेंटर में मैं बैठा था। और अभी हम लोग आगे जाएंगे, ये कारसाज का पुल आएगा, या हम इस ब्रिज के ऊपर जाएंगे तो हमें मेरा कारसाज मिल जाएगा, वो जहाँ पे मेरा स्कूल है, सेंटर में मैं बैठा हूँ। सही है, बाद में नहीं बोलना कि ब्रिज था ये, आगे जाके यहाँ पे एक आना या बलोच कॉलोनी का भी ब्रिज था जो हमने पास कर लिया है। अभी यहाँ पर भी बहुत कम ट्रैफिक मिली थी, इसकी वजह से हम लोग ना यहाँ से चल पड़े आगे। और पापा ने यहाँ से बहुत मोटरसाइकिल भगाई, और ये ना किसका पुल है, क्या था यार, पता नहीं इस पुल का नाम नहीं आता मुझे, हाँ नर्सरी, हाँ यार नर्सरी था इसका पुल, हाँ नर्सरी के पास हैं हम। और अभी यहाँ पे गाइस एक ऐसा इलाका जहाँ पे बहुत बैंक वगैरह और ज्वेलरी शॉप हैं, और जहाँ भी हम लोग आगे जाते जाएंगे। और यहाँ पे पापा, ये आपको वीडियो में शो नहीं हो रहा, बहुत तेज़ बाबा जहाँ मोटरसाइकिल चला रहे थे, वीडियो में शो इसलिए नहीं हो रहा कि कैमरा ज़्यादा हिलता है ना, स्टेबलाइजेशन नहीं होती, फिर स्टेबलाइजेशन होगी। गाइज हम सदर यहाँ पे देखें, कितने प्यारी मार्केट है, मैं बात कर रहा था सदर की, हम वहाँ पे जाएंगे और मार्केट का विज़िट करेंगे। और अभी इस पता नहीं इस ये पता नहीं किस कहाँ कायद आज़म का ये इस पुल के ऊपर जाएंगे, अगर हम इस पुल के ऊपर जाएंगे ना गाइज हमें वहाँ पे कायद आज़म का मज़ार आएगा। और अभी यहाँ से ना हम लोग आगे जाएंगे। गाइज ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे बॉर्डर है, एक उस साइड का सदर है, इस साइड का ना शायद चमनाबाद, पता नहीं किसका, मुझे नाम नहीं आता, पापा जान ने बताया था मुझे। हम लोग फिर यहाँ से, ये मेहरान होटल है, फिर हमने ना आगे से यू टर्न लेना था, उसके बाद ये देखे मैं हमने यू टर्न लिया। और ये जो अभी सामने आपको टावर्स नज़र आ रहे हैं, सारे अवारी टावर्स 2 बन रहे हैं अभी, लेकिन बन रहे हैं और भी होंगे, इसका मुझे पता नहीं है, शायद उसके पीछे भी हों। और आगे हमने जाना था सदर आले पे ना, ये जैसे अभी ये रोड है, हमने जाना है सीधा और वहाँ पर हमारा सदर शुरू हो जाएगा। यहाँ पर बहुत कपड़े की वरायटी, हमने कपड़ों के रेट पूछे, फिर हम लोग आगे चल पड़ेगा। यहाँ पर इतने फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक्स की वरायटी है, क्या बताऊँ, एक जगह इलेक्ट्रॉनिक्स के और ये दूसरी साइड पे ना सारी फोनों की मार्केट है। गाइज अभी ये जो मार्केट है, ये गाइज इस मार्केट के 10 फ्लोर हैं, 8 जो हैं ऊपर हैं और 2 ना अंडरग्राउंड हैं। और अभी हम लोग यहाँ पे पूरा आपको रिव्यू दिया। गाइज यहाँ पे फ़ोन ही इतने, आईफोन भी बहुत हैं, इम्पोर्टेड एक्सपोर्टेड मोबाइल हैं। कराची की मेन मार्केट है जहाँ पर आपको हर तरह का ना मोबाइल मिल जाएगा। यहाँ पर हमें एक अच्छा मोबाइल लगा, किट फ़ोन LG V60 थे, क्यों पहले हम किट का सोच रहे थे, फिर पापा जान ने बोला नहीं वो डब्बा पैक का कर लेते हैं। हमने देखा गाइस इसका कैमरा नहीं अच्छा था, और ये मैं खड़ा था, सही है, वो हमें कुछ कुछ बंदे रिकॉर्डिंग
भी नहीं करने दे रहे थे। हम बिल्डिंग से बाहर निकले और हम लोग चल पड़े गाइस देखते देखते एबी आगे, जहाँ पे ना न्यू बंदों का नेवी में ना एडमिशन होता है और उन्हें सेलेक्ट करके मेडिकल भी किया जाता है। और अभी ना हमने ये देख के हम आगे शाह फैसल की तरफ, और यहाँ पे एक मॉल है, इसका नाम नहीं आता है, अभी बिल्डिंग है शाह फैसल, मैं भी इसे शाह फैसल बोलूँगा जो मुझे नाम आता है इसका। हम यहाँ से जाते जाएंगे सीधा सीधा जाते, यहाँ पे ना बहुत ट्रैफिक हो गया था, 6-7 बज गए थे, 6-7 ही हो गए थे। हम लोग जा रहे थे, अभी यहाँ पे आएगा PF। गाइस देखते देखते फैसल बेस आ गई। यहाँ पे जितने PF के जो सोल्जर होते हैं उन्हें अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे घर दिए जाते हैं, उनके स्कूल वगैरह होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटी, बस पता नहीं यूनिवर्सिटी का मुझे नहीं पता इतना। गाइस आगे एक जगह एक आएगा, गाइस 5-6 साल हो गए हैं, वो कंस्ट्रक्शन में ही था, बिल्कुल कंस्ट्रक्शन में था। हमें अभी कुछ देर पहले पता चला है, हम लोग पहले सारे सजेस्ट कर रहे थे कि ये कॉलेज होगा, स्कूल होगा, यूनिवर्सिटी होगी, बाद में हमें पता चला जनाब ये बन रहा है मॉल। 5-6 साल हो गए गाइस, जितना बड़ा मॉल बन रहा है, जब ये बन गया उसका भी विजिट करा दूंगा आपको, यहाँ हमारे रहते रहते बन गया, ये मॉल है, इसका शायद फैल्कन नाम होगा ऐसे कुछ करके होगा। और अभी हम लोगों ने ये पास किया, अब अंडर पास में अगर फिर हम लोग खैर अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हम लोग घर पहुँच के सही तरह। गाइस अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी जाके लाइक कर देना, चैनल पर नहीं चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। बस आज के वाली वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।